प्रश्न है, यदि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b प्लस b की पावर a हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। हमें यहां दिया गया है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b प्लस b की पावर a। हम दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा d बाई dx ऑफ पहला फलन अर्थात x की पावर y प्लस d बाई dx ऑफ दूसरा फलन अर्थात y की पावर x बराबर है d बाई dx ऑफ a की पावर b प्लस d बाई dx ऑफ b की पावर a। अब हम देखते हैं कि a की पावर b और b की पावर a क्योंकि अचर हैं इसलिए इनके मान 0 के बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, तो राइट हैंड साइड हमें 0 प्राप्त होता है। अवकलन करने से, x के सापेक्ष अवकलन करने से हमें राइट हैंड साइड 0 मिलता है, इसलिए हम प्राप्त करते हैं d बाई dx ऑफ x की पावर y प्लस d बाई dx ऑफ y की पावर x बराबर है 0। अब हम देखते हैं कि x की पावर y और y की पावर x दोनों फलन एक फलन के की घात दूसरे फलन के रूप में है, तो हम सीधे सीधे इनका अवकलन नहीं कर सकते, हमें यह अवकलन लॉग की विधि से करना होगा। तो हमें यह अवकलन लॉग की विधि से करने के लिए हम मान लेते हैं कि x की पावर y u के बराबर है, तो माना x की पावर y u है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, y लॉग x बराबर लॉग u, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, m की पावर n n लॉग m होता है, तो x की पावर y का लॉग होगा y लॉग x, u का लॉग होगा लॉग u के बराबर। अब हम दोनों पक्षों में यदि अवकलन करें तो स्पष्ट है कि यह अवकलन होगा y पहला फलन दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1/x, तो y गुणा 1/x प्लस दूसरा फलन अर्थात लॉग एक्स पहले का अवकलन अर्थात डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा लॉग यू का अवकलन अर्थात 1/u और यू का अवकलन डी यू बाई डी एक्स। यहां हमने अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दिया और यहां अब हम डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स होगा एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यू जो है यहाँ यू ये जब जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो स्पष्ट है यू का मान एक्स की पावर वाई है, तो डी यू बाई डी एक्स एक्स की पावर वाई वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब हम दूसरे फलन को देखते हैं, यहाँ दूसरा फलन हम देखते हैं कि y की पावर x मिला है, तो हम y की पावर x को v के बराबर मान लेते हैं, तो माना y की पावर x v है, पुनः हमें यहां दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये फलन का रूप भी एक फलन की पावर दूसरे फलन के रूप का है, इसलिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर x लॉग y बराबर लॉग v होगा जैसा हमने पहले किया था। और अब हम अवकलन ज्ञात करते हैं, अवकलन x के सापेक्ष, तो यह मान हो गया पहला फलन x लॉग y का जो अवकलन होगा वो होगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन लॉग y x का अवकलन 1 लॉग v का अवकलन होगा 1/v और v का अवकलन डी वी बाई डी एक्स। यहाँ स्पष्ट है कि डी वी बाई डी एक्स जो होगा वो होगा y की पावर x, क्योंकि ये वज्रगुणा से में दूसरे पक्ष में आ जाएगा, v जब वज्रगुणा में होगा तो यहाँ ये दूसरे पक्ष में आ जाएगा, अब अंश में बन जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर हो गया y की पावर x x बटा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि हमने डी वी बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया है और हमने डी यू बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें
तो हम जोड़ने से क्या प्राप्त करते हैं कि ये मान हो गया एक्स की पावर वाई, ब्रैकेट में हो गया वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स, ब्रैकेट में एक्स बटा वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, इसका मान 0 के बराबर है, क्योंकि हमने माना था एक्स की पावर वाई को हमने माना है यू, और वाई की पावर एक्स को हमने माना है वी, और इन दोनों का जो डी बाई डी एक्स है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स 0 के बराबर है, इसलिए इन दोनों का योग करके हमने 0 के बराबर कर दिया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स अंदर कॉमन आ जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, और पक्षांतरण करने से माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन वाई प्लस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, अर्थात ये जो खंड है ये दूसरे पक्ष में वज्रगुणा से हर बन जाएगा, हर में आ जाएगा, और इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बटे एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। इस प्रकार हमने डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। तो इस प्रश्न में देखिए हमने क्या किया है, यहां इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें बाएं पक्ष में मिला है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, क्योंकि ये एक फलन के दूसरे फलन का रूप है, इसलिए हम लॉग तो एक साथ ले नहीं सकते, हमने पृथक पृथक एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स का हमने अवकलन किया, और उनको जोड़ के हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला, जो कि माइनस एक्स की पावर वाई माइनस एक इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई बटे एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस एक इंटू एक्स के बराबर है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए होता है। यहां हम देखते हैं कि हमें प्राप्त है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो हम यहां वाई को एक्स के पदों में नहीं लिख पा रहे हैं, परंतु हम एक्स को वाई के पदों में लिख सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि एक्स बराबर होगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई, वज्रगुणा में साइन ए प्लस वाई हर में आ जाएगा, तो एक्स का मान हम वाई के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं। डी एक्स बाई डी वाई निकालने के लिए स्पष्ट है कि जो राइट हैंड साइड है वो यू अपॉन वी के रूप में हमें मिला है, तो यहाँ हम लिखेंगे वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ हम अब साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई का अवकलन करने के लिए हमें जो हर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा, वो मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हम लिखेंगे साइन ए प्लस वाई, और साइन वाई का अवकलन कॉस वाई होता है, तो कॉस वाई माइनस, क्योंकि सूत्र में है, यहाँ हम लिखेंगे यू अर्थात साइन वाई, और वी का अवकलन साइन ए प्लस वाई का अवकलन कॉस ए प्लस वाई। तो इस प्रकार हमने डी एक्स बाई डी वाई प्राप्त किया, तो वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए ये मान साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई के बराबर है। अब हम देखते हैं कि जो अंश में लिखा है
वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का रूप है, अर्थात यह साइन ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो हम साइन ए माइनस बी का सूत्र से इसे सरल कर सकते हैं, ये मान हो गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और जो डिनोमिनेटर है हर है वो हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां हमने क्या किया है, यहां हमने अंश को साइन ए माइनस बी के सूत्र से सरल कर दिया। अब वाई से वाई कैंसिल होने से ये मान बन गया साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई के बराबर। तो हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 1/dx/dy के बराबर होता है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां इस प्रश्न में हमने देखिए क्या किया है, इस प्रश्न में हमने एक्स को वाई के पदों में लेके डी एक्स बाई डी वाई ज्ञात किया, और डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/dx/dy होता है उसका प्रयोग करके अभीष्ट को सिद्ध किया है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।